अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आज आप लोगों के लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ जो कि फेस वॉश की रेमेडी है, जो कि हम शलजम से तैयार करेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा फेस वॉश है आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो हम फ्रेश शलजम से तैयार करने लगे हैं। ठीक है, इस शलजम को मैंने, ये देखें इसकी ना, मैंने स्किन उतार ली है ऊपर से। ठीक है, स्किन उतार के एक पूरा शलजम ले लें, मीडियम साइज़ का होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी स्किन को ग्लो देगा, हाथ पाँव को बेबी सॉफ्ट कर देगा, ठीक है, मॉइस्चर देगा और बहुत ही बेहतरीन ये इसका फेस वॉश बनने लगा है। आपने इस तरह का कभी ट्राई नहीं किया, आई एम श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक मेरे साथ यूज़ शेयर करेंगे कि आपने इसको बनाया तो आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला और आपको ये कैसी लगी। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको आगे जरूर शेयर किया करें। ठीक है, मेरी वीडियो देखने का, कमेंट्स करने का, वीडियो को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। फेसबुक पेज है किचन हूर के नाम से। अब चलते हैं इस फेस वॉश को बनाने के लिए। हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मुझे चाहिए एक कप अरके गुलाब ले लिए। ठीक है, और बेबी सोप, अगर आपके पास घर में बेबी सोप है या फिर आप तिब्बत सोप घर में इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई भी सोप आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई ऐसा खास रूल नहीं है, जो भी आप सोप घर में इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास बेबी सोप है। ठीक है, इसको मैंने हाफ़ को ग्रेट कर लिया, यानी कि ये हाफ़ कितना, ये 4 टेबल स्पून है। ठीक है, ये 4 टेबल स्पून मैंने हाफ़ बेबी सोप है इसको ग्रेट कर लिया। ये मैंने अभी ग्रेट की है। और एक शलजम है, इसको भी स्किन उतार ली है। ठीक है, ये ग्लेस लेना है, ये मेरे पास 5 टेबल स्पून है। और ये 1 बड़ा टेबल स्पून शहद का है। ठीक है, 3 अदद विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे। ठीक है, और इसको हम जो शलजम फेस वॉश है इसको तैयार करेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही शानदार चीज़ है, इसको ज़रूर बनाइएगा। अब इसको किस तरह हमने बनाना है, सबसे पहले मैं शलजम के छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ब्लेंडर के अंदर शलजम और सोप डाल दिया। अब मैंने विटामिन ई के कैप्सूल 1, दो, तीन ये डाल दिया। ठीक है, और इसके साथ ही हमने अरके गुलाब 1 कप, ग्लासलिन 5 टेबल स्पून, शहद पूरा 1 टेबल स्पून भर के, ये डाल दिया। ये इस प्याली में से मैं ना सारा निकाल लेती हूँ क्योंकि वो एक हाथ में मेरा फारग नहीं है, तो मैं इसलिए ना अभी मैंने आपको डाल के बस दिखाया है। ठीक है, ये चीज़ें डाल के अब मैं इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये जो मैंने आपके सामने तमाम चीज़ें शलजम जो फेस वॉश बनाया है वो मैंने इस ब्लेंडर में डाली और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद ये देखें कुछ ये इस फॉर्म में हो जाएगा। ये देखें, मैंने कुछ आपको दिखाने के लिए भी रखा है। ये देखें इसका टेक्सचर देख लें आप, ना ज़्यादा लिक्विड है और ना ही ये ज़्यादा। ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है, ये देखें जिस तरह एक फेस वॉश होना चाहिए ना बिल्कुल उसी तरह। अगर आपको लगे कि भाई ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो इसमें कुछ ऐसा कोई बात नहीं, आपने अरके गुलाब है ना आपके पास तो आप इसके अंदर 1/4 कप अरके गुलाब ऐड कर लें। ठीक है, तो फिर से आपका ये बेहतरीन सा ये आपका फेस वॉश जो है शलजम फेस वॉश हो जाएगा तैयार। इसको मैंने अभी अपने हैंड के ऊपर यूज़ किया है तो ये देखिए इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिला है, तो बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, आपने भी इसी तरह इसको यूज़ करना है। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसा शलजम को वाला फेस वॉश कभी यूज़ किया है, ये आपके हाथों को बेबी सॉफ्ट फुट को कर देगा और ये फेस को ग्लोइंग देगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ठीक है, इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई और इसी तरह इफेक्टिव सी एक रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।